इंदौर के एक व्यापारी मनीष लुल्ला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मनीष लुल्ला का नाम प्रतिष्ठित व्यापारियों में शामिल है। वह यशवंत क्लब में मेंबर भी थे। मनीष लुल्ला ने केक्स एंड क्राफ्ट की जयपुर उज्जैन रीवा भिलाई में फ्रेंचाइजी खोल रखी थी। अभी उनके सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन आशंका है कि उन्होंने आर्थिक परेशानियों के चलते यह कदम उठाया है। मनोरमागंज में रहने वाले व्यापारी मनीष लुल्ला ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनीष ने अपनी पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगाई। रात में जब पत्नी के बड़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी मनीष ने दरवाजा नहीं खोला, तो पत्नी ने कर्मचारी को चाबी बनवाने के लिए भेजा। जब फ्लैट का ताला खोला गया तो पति फंदे पर लटका मिला, जिन्हें उतार कर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मनीष के परिवार में उनकी एक बेटी और बेटा है, दोनों ही मुंबई में रहते हैं। रात को मनीष फ्लैट पर ही थे। पत्नी जैस्मीन रिश्तेदार के यहाँ गई थी, तभी मनीष ने यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि मनीष के बड़े भाई धीरज लुल्ला डेली कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में मेंबर हैं। वे इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच देखने गए थे। परिवार ने जब उन्हें मामले की जानकारी दी तो वह मैच के बीच से स्टेडियम से घर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं मनीष के मोबाइल में दोस्तों और पत्नी के मिस कॉल थे, जो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले में जाँच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।